हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। पिछले चंद चैप्टर से हम जीआई टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस पर रिजर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं, रामसार साइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसी के इन टैंडम टू दैट आज हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते क्या हैं, इन्हें रिकग्निशन ऑफकोर्स आपने टाइटल में ही इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ऑफकोर्स यूनेस्को ही जो है इसके रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन किस तरीके से करता है, इसमें किस तरीके के क्लासिफिकेशंस है और ये कितने सिग्निफिकेंट होते हैं, इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। आप जो पिक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल ये आगरा फोर्ट है जो कि आगरा में है। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। दरअसल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उन्हें रिकॉग्नाइज यूनेस्को करता है। हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर यूनेस्को पर एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर वो वीडियो देखें। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ प्लेस दैट इज रिकॉग्नाइज बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ डिस्टिंक्टिव कल्चरल और फिजिकल इंपॉर्टेंस। यानी कि ये एक साइट होता है, या तो नेचुरल हो सकता है या फिर कल्चरली हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली सिग्निफिकेंट हो सकता है यह साइट, ताकि बहुत ही डिस्टिंक्ट हो, यानी कि हर जगह आपको ये साइट्स या फिर ये प्लेसेस जो है देखने को नहीं मिलते। ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस विच इज कंसिडर्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमन लाइफ को जो है ये साइट्स या फिर ये प्लेसेस जो है वो क्वालिटी ऐड करते हैं, ये बहुत ही एक रिच टेक्सचर देते हैं ह्यूमंस को। इसीलिए जो है इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक लिस्ट मेंटेन की जाती है जहां पर इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जो है मेंटेन किया जाता है। अगर इन डिटेल में कह सकूं तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो टैंजिबल असेट्स हैं ह्यूमैनिटी के। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। यूनेस्को स्ट्राइव्स टू एनकरेज द कंजर्वेशन आइडेंटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड। हमने ऑलरेडी यूनेस्को के वीडियो में देखा हुआ था कि दरअसल यूनेस्को जो है वो एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल रिचनेस के लिए काम करता है, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए काम करता है, उन्हें कंजर्व करने के लिए काम करता है। तो जाहिर सी बात है इन दैट सेम टर्म्स इन दैट सेम लाइन ये चाहता है कि जो कोई भी दुनिया भर के अलग अलग कोने में जो नेचुरल प्लेसेस हैं जो कि बहुत ही एक्सॉटिक हैं, ह्यूमन लाइफ को जो है जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और जो कल्चरल हेरिटेज है यानी कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इस तरीके का कल्चरल या फिर ट्रेडिशनल जो साइट हो उसे रिकॉग्नाइज करे, उसे प्रिजर्व करें, आइडेंटिफाई करें और बाकी लोगों को भी एनकरेज करें, अवेयरनेस लाएं कि वो भी इन साइट्स को प्रिजर्व करें, ताकि ह्यूमन की जो क्वालिटी है, ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है दुनिया में, वो उसी तरीके से मेंटेन और बरकरार रख सकें। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड द कन्वेंशन रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज एक्सेप्टेड बाय यूनेस्को इन 1972। एक कन्वेंशन जो है वो एक्सेप्ट किया गया था यूनेस्को से 1972 में, जिसके तहत यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यह प्रोग्राम अंडरटेक किया हुआ था। तो मेजरली तीन अलग अलग लिस्ट जो है वो मेंटेन करता है यूनेस्को। सबसे पहला यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये होते क्या है, देखिए वर्ल्ड में ही है नेचुरल, यानी कि जो नेचर है, नेचर से हमें मिलते हैं नेचुरली, जो हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। दीज आर दो साइट्स विथ डिस्टिंक्टिव कल्चरल फीचर्स सच एज जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, फिजिकल बायोलॉजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स। यानी कि नेचुरली जो है हमें ये प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ पर बहुत ही कल्चरल सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है, अलग अलग नेचुरल जियोलॉजिकल फार्मिंग्स जो है वहाँ पर होते हैं, उनके फिजिकल नेचर में, उनके बायोलॉजिकल नेचर में जो है बहुत खूबसूरती जो है ह्यूमन लाइफ को ऐड की जाती है। तो इस तरीके के लिस्ट को जो है या फिर इस तरीके के साइट्स को जो है यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है और नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में उसे इंट्रोड्यूस करता है। बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया का काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, वो 1985 में रिकॉग्नाइज किया गया था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट है वो है कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। दीज आर दो साइट्स विद यूनिक कल्चरल फैसेट्स सच एज पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। यानी कि जो मैन मेड है, खासकर कोई भी हो सकता है, पेंटिंग्स के लिए भी फेमस है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा फोर्ट, ताजमहल वगैरह, या फिर जहां पर हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर जो है बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश हुआ है, उन साइट्स को जो है यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल इंडिया में हुमायूंस टूम्ब है जो कि दिल्ली में है, 1993 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि दोनों है, नेचुरल भी है और कल्चरल एसोसिएशन भी है। दिस कंप्राइजेस कंपोनेंट्स ऑफ बोथ नेचुरल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। बेस्ट एग्जांपल इज कांचनजंगा नेशनल पार्क विच इज इन सिक्किम, और ये 2016 में रिकॉग्नाइज किया गया था। दुनिया भर में अलग अलग इस तरीके के साइट्स हैं, मैंने बस एक एक एग्जांपल फ्रॉम इंडिया लिया हुआ है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।